पवन सिंह को हराने के लिए, जी हां, पवन सिंह को काराकाट से हराने के लिए बीजेपी ने ऐसी चाल चल दिया है कि भैया पवन सिंह को सोचना पड़ेगा। जी हां, बीजेपी के लिए, जिस बीजेपी के लिए पावर स्टार पवन सिंह ने इतने सालों तक मेहनत किया और उसका फल ये मिला कि भैया दोबारा उन्हें दूसरी जगह टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद पवन सिंह ने ठान लिया कि भैया वो निर्दलीय लड़ेंगे, और जब निर्दलीय लड़ने के लिए वो आ चुके हैं तो ऐसे में भैया बीजेपी ने अपना एक नया रास्ता चुन लिया है पवन सिंह को हराने के लिए। जी हां, इसमें लिस्ट में नाम आता है मनोज तिवारी। जी हां, मनोज तिवारी निरहुआ, रवि किशन और अक्षरा सिंह के साथ कंगना रनावत, पांच ऐसे शख्स हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए, जी हां, ये पांच ऐसे नाम हैं, ये इनको जिताने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए काराकाट की धरती पर उतरेंगे। अब सोचिए कि पावर स्टार पवन सिंह का क्रेज किस लेवल का हो चुका है, यानी कि जिस तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह ने जो भूचाल मचा रखा है, और अब कहीं ना कहीं जैसे ही उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा, जिस तरीके से उन्होंने काराकाट को पूरा पवनमय कर दिया है, उससे कहीं ना कहीं ये बीजेपी को लग चुका है कि भैया ये अब सीट हारते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा है गठबंधन वाली सरकार में, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को टिकट मिला है, और उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए मोदी की पूरी टीम, यानी कि मोदी की पूरी सेना तैयार हो चुकी है। इंटरव्यू आज आ गया, पेपर में आज कटिंग आ चुका है कि भैया पांच पांच लोग। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कहां मनोज तिवारी जी, जो पवन सिंह आपके लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, आप उनको हराने की कोशिश करेंगे क्या? रवि किशन जी, क्या आप अपने भाई, छोटे भाई को हराने के लिए आइएगा क्या? निरहुआ भैया, आपके लिए तो चुनाव प्रचार के लिए पवन सिंह ने तो रैली किया था, और जिस तरीके से वो आजमगढ़ की धरती पर वो वोट मांगते हुए नजर आए थे, क्या निरहुआ भैया आप पवन सिंह को हराइएगा? और ऐसे में अक्षरा सिंह, जी हाँ, अक्षरा सिंह आपके लिए तो पवन सिंह ने ना जाने क्या क्या काम किया है, वो सारी मीडिया को पता है, सारे दर्शक को पता है, सारी जनता को पता है, और इमीडिएट आपके दिल को भी पता है कि पवन सिंह ने आपके लिए क्या किया है। तो क्या आप भी काराकाट में उतरेंगे और पवन सिंह को हराएंगे? कम से कम उनका सपोर्ट नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए खिलाफ भी तो मत आइए। और कंगना रनावत का क्या कहना, वो तो भाई उड़न खटोला से आएंगे और उड़न खटोला से चले जाएंगे, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, काराकाट की जनता बस एक चमचमाता हुआ चेहरा देखेंगे और देख के उनको विदा कर देंगे। तो काराकाट में कंगना रनावत से कुछ नहीं हिलने वाला है, यहां तक कि दो चार लौंडे लफाड़े थोड़ा सा मूड बना लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन इन चार लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन चार लोगों को अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते पवन सिंह को, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, अगर वीडियो आपकी टीम के पास पहुंचती है तो भाई पवन सिंह को हराने तो मत आओ, बदनाम तो करने मत आओ। जिस तरीके से मनोज तिवारी बाइट पे बाइट देते चले जा रहे हैं कि भैया पवन सिंह कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, पवन सिंह ने जो ठान लिया है वो करके बंदा रहता है। अब देखना है कि काराकाट की जनता इसका रिप्लाई कैसे करता है। लेकिन फिलहाल ये चारों लोग पवन सिंह को हराने के लिए, यानी कि मोदी की पूरी सेना पवन सिंह को हराने के लिए तैयार है। क्या सोचते हैं आप, क्या वाकई में पवन सिंह को काराकाट से निर्दलीय जीत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? जो भी सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।